नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और एक बड़ी खबर, एनएससी ने चार नए फंड, नए इंडेक्स लॉन्च किए हैं। ये इंडेक्स, वैसे तो एनएससी बीएससी काफ़ी इंडेक्स लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन इस बार के ये जो चार इंडेक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक आम निवेशक के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, क्योंकि इनमें जो अट्रैक्टिवनेस है उसमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये चार इंडेक्स एफएंडओ सेगमेंट में भी होंगे, 8 अप्रैल से लॉन्च हो रहे हैं, कैश एफएंडओ दोनों सेगमेंट में हैं। ये चार जो नए इंडेक्स फंड हैं इनके नाम जान लेते हैं। पहला फंड है निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप, दूसरे फंड का नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20, साथ ही तीसरा फंड है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि 50-30-20, और चौथा फंड है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर फंड। अब इन फंड्स को, इन इंडेक्स को क्यों लॉन्च किया गया, क्या कुछ इसका फायदा मिलेगा एक आम निवेशक को, उस पूरे मामले को समझते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ शर्मा, को फाउंडर मनी ट्री पार्टनर्स के, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर संतोष सिंह, मार्केट एक्सपर्ट। सिद्धार्थ जी, संतोष सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष सर, पहला सवाल यही उठता है कि सर, एक तरफ म्यूचुअल फंड्स जहां पर कि फंड फ्लो को रोकने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर एनएससी एक से एक अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, और इसमें भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में मैं पहले फोकस करूंगा टाटा के फंड पर, कि टाटा स्पेसिफिक फंड। हम जनरली जब देखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं आज अदानी स्टॉक्स बहुत ऊपर हैं, आज रिलायंस समूह के शेयर ऊपर है, आज टाटा समूह के शेयर ऊपर है, तो उन्होंने एक इंडेक्स ही बना दिया और उसको लॉन्च कर दिया। क्या इसको हम ये मान लें कि ये एक शुरुआत है, हमें आने वाले दिनों में और एक्सचेंजेस की तरफ से, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इस तरह के नए फंड्स देखने को मिलेंगे? डेफिनेटली देखिए क्या होता है कि अगर आप देखें वेस्टर्न इकोनॉमी में एक्चुअल में प्रोडक्ट आइडियाज़ आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी है, और टाटा ग्रुप का जो ये लॉन्च किया गया है इंडेक्स, मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप पे अगर आप एज ए कॉरपोरेट काफ़ी जो है भरोसा है, और जब से एन चंद्रशेखर ने ज्वाइन किया है एज ए पूरा ग्रुप हेड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही पर्टिकुलरली हर कंपनियों को, क्योंकि ऐसा माना जाता था पहले कि टाटा जो है वो प्राइवेट सेक्टर की पीएसयू की तरह समझा जाता था, लेकिन जो एन चंद्रशेखर ने टीसीएस को जिस तरह से पूरा जो है एक नई ऊंचाई पर ले गए, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाया उन्होंने, और उसके बाद जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज ए ग्रुप हेड, तो अगर आप देखें तो हर कंपनियां अब बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही हैं, तो ये जो थीम है ये काफ़ी अच्छी थीम है मुझे लगता है कि, और लोगों को भरोसा भी है टाटा ग्रुप पे, तो इंडेक्स जो आया है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और जब इंडेक्स लॉन्च होता है बेंचमार्क की तरह होता है कि अगर हम इसके ग्रुप की हेल्थ देखना चाहते हैं तो हम प्राइस से भी देख सकते हैं कि क्या कैसे चल रहा है सारा चीज़, और मुझे लगता है कि ये जो थीम है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ म्यूचुअल फंड्स इसको फॉलो करते हुए ETF भी लेकर आएँ, क्योंकि वो एक आम लोगों के लिए निवेश करना काफ़ी इजी होता है कि आप ETF में ले आएँ। और डेरिवेटिव्स तो लॉन्च करेंगे ये, जिसमें कि कम लोग जा सकते हैं, और डेरिवेटिव पे सेबी का खुद जो है एक डिस्क्लोजर है कि हर 10 में आदमी जो कि ट्रेड करते हैं उसमें केवल एक आदमी ही प्रॉफिटेबल होता है, 9 लोग जो है वो खोते हैं पैसा, क्योंकि शॉर्ट टर्म नज़रिया होता है। अब मुझे लगता है कि अगर इसको फॉलो करते हुए कोई भी AMC ETF की तरफ लाए तो जो है वो एक ज़्यादा प्रूडेंट आइडिया होगा। जी सिद्धार्थ जी, आप तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, जब आपने खबर सुनी तो आप कितने खुश हुए थे, या आपको लगा कि ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, या कोई बात नहीं ये एक आम प्रोडक्ट है, आपने पहले देखे हैं ऐसे? देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करें, इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हर दिन आ रहे हैं, और इस तरीके से AI कंप्लायंट, ML कंप्लायंट, इतने सारे इनोवेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर इस टाइप का कोई फंड लॉन्च हो रहा है जहां पर टाटा ग्रुप्स की सारी कंपनीज आ रही हैं, तो मुझे तो ये देखकर लगा कि पहला ऐसा कोई फंड आ रहा है जहां पे सेक्टर एग्नोस्टिक फंड है, जहां पे ऑटोमोबाइल्स भी है, जहां टेक्नोलॉजी भी है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की थीम भी कवर हो रही है, और टाटा एज ए ग्रुप पर एक पूरे देशवासियों को, हर लोगों, हर इंसान को बहुत ज्यादा विश्वास है। जिस तरीके से टाटा ग्रुप की मार्केट कैप है, मार्केट कैप टू GDP अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो हम देखेंगे कि इट इज वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर्स विद इन द लार्ज कैप सेगमेंट,
तो अगर टाटा ग्रुप का एक पूरा एक इंडेक्स ही बन रहा है या एक फंड आ रहा है, तो मैं तो मुझे तो ऐसा लगा कि हम लोग इनोवेशन में एक दूसरी मसाल पे पहुंच रहे हैं, जहां इस टाइप की इनोवेशन कर करके हम इंडेक्सेस को काफी आसानी से बीट कर पाएंगे जहां पे, क्योंकि आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि फंड मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो मैनेजमेंट भी देखती है फंड किसी भी स्टॉक के सिलेक्ट करने से पहले, कि उसका कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मैनेजेरियल क्राइसिस तो नहीं है, कॉर्पोरेट बॉडीज प्रॉपरली मीट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, कंपनीज एक्ट प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और टाटा ग्रुप के साथ ऐसा कभी भी कोई भी एनोमली नहीं देखी गई है। तो इन दैट केस मैं ये बोलूंगा कि ये एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है, ऐसे इनोवेशंस काफी सारे देखे जाएंगे, और एज एन एडवाइजर, एज अ वेल्थ मैनेजर, मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स को स्टडी करने में और अपने इन्वेस्टर्स को बताने में मुझे काफी एक इम्प्रोवाइज और काफी एम्पावर्ड में फील करता हूँ। बिल्कुल, तो काफ़ी एनर्जी मिल रही है सिद्धार्थ जी को और संतोष सर, चूंकि आपने भी इस पर पॉजिटिव ही आउटलुक रखा है कि टाटा का एक इंडेक्स फंड लॉन्च हो रहा है। सर, किन फंड्स की और ज़रूरत है, किन बड़े हाउसेस से आपको लगता है कि इनके भी इंडेक्स लॉन्च कर दे एनएसई तो अच्छा रहेगा? तो देखिए, मुझे लगता है कि अभी एनएसई इतना जल्दी तो शायद नहीं लॉन्च करेगी, अभी इसको देखेगी, उसके बाद परखेगी कि कैसी जो है वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी दिखती है हमको, उसके बाद लॉन्च करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप को देख लें, रिलायंस ग्रुप को देख लें, कैलकाटा की ही सीएससी ग्रुप है, काफ़ी वर्सेटाइल है उनके इन्वेस्टमेंट, तो उनको देख लें, ऐसे बहुत सारे जो घराने हैं, अडानी हैं, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारी कंपनियां जो है वो निवेश कर रही हैं, और अगर किसी घराने को देखना है और उनके मैनेजमेंट को देखना है, कंपनियों के पास जो अपॉर्चुनिटी साइज है, तो ये आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये सब बेबी स्टेप धीरे धीरे होगा, और ये सारी चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि इसकी सफलता कितनी होती है, क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी आप प्रोडक्ट्स बहुत सारे लॉन्च करते हो लेकिन कुछ ही प्रोडक्ट चल पाते हैं, क्योंकि वास्तविक में क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा या उनको एल्यूर करेगा ये? तो प्रोडक्ट तो कई आते हैं, आप देखो कि अगर गाड़ियाँ जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर हैं, कई गाड़ियों को मॉडल उनको लाना ही पड़ता है, लेकिन उसमें से कुछ ही मॉडल सक्सेस होते हैं, तो उस सक्सेसफुल मॉडल को लेने के लिए आपको कई चीज़ें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं, फिर आपका उसमें से कोई एक प्रोडक्ट चलता है। तो मुझे जी लगता है कि ठीक है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट इन अ गुड डायरेक्शंस है, आने वाले दिनों में देखते हैं कैसा होता है। सिद्धार्थ जी, म्यूचुअल फंड्स में तो काफ़ी सारे फंड्स आते हैं, लेकिन एनएससी ने ये ऐसा इंडेक्स लॉन्च किया, क्या लगता है कि एनएससी अपनी तरफ कस्टमर्स को खींच रहा है, म्यूचुअल फंड के निवेशकों को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या आने वाले समय में हम ये मान सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंजेस आमने सामने आ गए? मुझे लगता है कि मार्केट का ही ये एक फिलॉसफी है, कंपटीशन हर प्लेयर दूसरे प्लेयर को देना चाहता है, तो अगर म्यूचुअल फंड्स और अगर एनएससी या बीएससी कल को अपने एक दूसरे से कॉम्पीट भी कर रहे हैं, तो ये एक मार्केट के लिए एक बहुत डेवलप्ड साइन दिखाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडेक्स या हर अपना एक्सचेंज अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ में लगा हुआ है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, बेंचमार्क्स को बीट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक हेल्दी साइन है कैपिटल मार्केट्स के ग्रोथ के लिए, जहां आप देख सकते हैं कि एक साइड तो इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं, दूसरे साइड नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और तीसरी साइड ना अवेयरनेस बढ़ती जा रही है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, कि ये सब के सब इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजिक्ट्री को एक डिफरेंट लेवल पे ले जा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, कैपिटल मार्केट्स जो इंडिया में बिल्कुल डेवलप नहीं थे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, और आज हम वहां खड़े हो गए हैं कि जहां फॉरेन इनफ्लोस के आने या जाने से इतना फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स इतने मेच्योर हो गए हैं, एनएससी इतना स्ट्रांग हो गया है, म्यूचुअल फंड्स तो है ही अपने में स्टॉक स्ट्रांग, इतने सारे एनडीज आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स आ गए, कि ये तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का पार्ट है मेरे ख्याल से जो ये हो रहा है। बिल्कुल, तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जो सुनने में भी अच्छा लग रहा है, कि बड़े सालों बाद सर जब हम मोबाइल में देखते हैं कोई एक नया इनोवेशन, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कैमरे की क्वालिटी बढ़ जाती है या कुछ और कि पिक्सल ऐड हो गए, कि जीबी मेमोरीज में जीबी ऐड हो गए, कि ये सब होता रहता है, लेकिन कुछ नया अगर फंक्शन ऐड होता है तो वो अट्रैक्ट करता है एक खरीदार को। इसी तरह से यहाँ पर भी एक नया प्रोडक्ट ये जुड़ा है संतोष सर, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि
बार बार बात होती है, हर 2-3 साल में मुद्दा भी उठता है कि एनएससी का आईपीओ आ सकता है। काफ़ी सालों से मुद्दा उठ रहा है, एनएससी काफ़ी एक्टिव हो चुका है। अगर हम देखें, सीडीएसएल का आईपीओ आया था 2020 से, 200 रुपये का शेयर कहाँ पहुँच गया, सब मल्टी बैगर बन गया। बीएससी ने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू किए, एक साल में 400 का शेयर 2800 रुपये पहुँच गया। ये एनएससी के आईपीओ से पहले जब भी आएगा, क्या ये तैयारी है एनएससी की कि एक अच्छी वैल्यूएशन क्रिएट की जाए, मार्केट में सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये पता लग जाए कि एनएससी ही सब नंबर वन है और एनएससी ही सबसे बड़ा एक्सचेंज है और सबसे बेहतरीन वैल्यूएशन इसी को मिलनी चाहिए? देखिए, ऑलरेडी इन अ कमांडिंग पोजीशन है। अगर आप पूरे मार्केट को देखें तो ओवरऑल दो ही एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी, और पूरे पूरा अगर आप देख लें ट्रेड्स का तो मोर देन 90% जो है इन्हीं के पास आता है। लेकिन आपको लीडरशिप पोजीशन को भी बनाए रखने के लिए आपको हमेशा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं, ताकि जो है आप स्टैंड आउट करो और फिर आप जिस पोजीशन पे हो उसको बनाए रखो, उससे बेहतर करो। तो अब जो है बीएससी में चूंकि नए सीईओ आए, जब से उन्होंने काफ़ी इनोवेशन किया प्रोडक्ट में, उनके डेरिवेटिव्स लॉन्च किए और वो काफ़ी चल भी गया। अब देखें कि उसका जो है उनको काफ़ी ज़्यादा उनके स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखा, प्रॉफिटेबिलिटी भी पहले से बढ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि डोमिनेटिंग पोजीशंस पर एनएससी है, और एनएससी के जब भी आईपीओ आएंगे, जो कि कुछ इनके नॉन कॉम्प्लायंस थे, अर्स्टवाइल जो है मैनेजमेंट था उसमें कुछ नॉन कम्प्लायंस के कारण कि काफ़ी दिनों से लिंगर कर रहा है। बीएससी ने इन द मीन वाइल, जो जैसा आपने बताया कि सीडीएसएल जो है उसने काफ़ी वैल्यू क्रिएट की है, और सीडीएसएल एक्सपेंशन भी बहुत बड़ा हुआ है। आप अगर देखें एनएससी जिस तरह से डोमिनेटिंग पोजिशन पर है, डिमेटलाइजेशन में सीडीएसएल उतनी बड़ी जो है कहने की कमांडिंग पोजिशन पर है। तो अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सेगमेंट में दोनों जो है महारत हासिल है दोनों को, लेकिन एक्सचेंजेस में मुझे लगता है कि एनएससी का काफ़ी दबदबा है, प्रोडक्ट वाइज कह लें, ट्रांसपेरेंसी वाइज कह लें और कंप्लायंस वाइज कह लें, क्योंकि मैं ब्रोकिंग फर्म पे भी रहा हूँ और वहाँ पर जो है कंप्लायंस की बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट जो है ऑडिट होती थी एक्सचेंजेस की, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रिंजेंट ऑडिट एनएससी की होती थी। तो मुझे लगता है कि वो, लेकिन वो खुद कहीं कंप्लायंस के दायरे में फंस गए थे उनके जो है अर्स्टवाइल मैनेजमेंट, तो वो लेकर एक ओवरहैंग है जिसके कारण कि अभी तक सीबी से परमिशन नहीं मिली है। लेकिन जो है कंपनी, या फिर कह लें कि इनके इनका जो प्रोडक्ट हम जो यूज़ करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रोबस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और कंपनी और इससे वैल्यू तो डेफिनेटली ये डिराइव करेंगे इसमें। संतोष सर, एक फंड इनका और लॉन्च हो रहा है, मतलब 4 फंड में से हमने टाटा ग्रुप एक बड़े घराने के ऊपर बात की, लेकिन निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर फंड इंडेक्स, सर वैसे तो फार्मा फंड भी है, हेल्थ केयर इंडेक्स भी है, तो ये मिड स्मॉल जो फंड ये इंडेक्स लॉन्च हो रहा है, इसकी क्या ज़रूरत थी? और जब सेबी एक तरफ बोल रही है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा फोकस कम करें, वहाँ पर एक एक्सचेंज आता है वो एक नया इंडेक्स लॉन्च करता है, इसको किस तरह से रीड करें सर? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि फार्मा एज ए होल अगर देखें तो वो रिलेटिवली जो है लेस वोलेटाइल होता है, और इंडेक्स हेजिंग में कई बार लोग यूज़ करते हैं इसको कि अगर इंडेक्स खराब होता है तो ये रिलेटिवली जो है आपको सेफर रिटर्न देता है। जो इन्होंने इंडेक्स बनाया है अगर आप उसको देख लें तो उसमें जो बीटा है वो 0.56 है, मतलब बहुत ही रिलेटिवली स्टेबल है ये इंडेक्स। कोरिलेशन विद निफ्टी जो है वो 0.42 है इसका, और जो है हमेशा हम देखते हैं कि जितने भी कंपनियां हैं फार्मा में थोड़े से वैल्यूएशन इनके ज़्यादा होते हैं, तो 47 PE है इनका, प्राइस टू बुक 5.4 है और डिविडेंड यील्ड 4.9 के आसपास है। 30 स्टॉक का बास्केट इन्होंने बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी जो कि इन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप में है वो ऐसे लोगों को कैटर करती है जहां पर कि थोड़ा सा जो है रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप इज ए स्पेस जहां पर कि आपके पैसे बनते हैं और रिलेटिवली सेफर बेट होता है ये, क्योंकि इसका बीटा जो है वो काफ़ी नॉर्मलाइज और कहने की 50% ऑफ द निफ्टी है, तो उस लिहाज से लगता है कि रिस्कियर बेट डेफिनेटली थोड़ा लगता है, लेकिन ये देखने में लगता है नहीं, अगर इसके इनहेरेंट चीज़ों को देखेंगे तो आपको रिस्क नहीं दिखती है। तो डिस्पाइट के मार्केट में जिस तरह की बातें हैं या रेगुलेटर जो कंसर्न है उसके अलग जो है इसमें उस चीज़ पर ध्यान दिया गया है
हम इनको 30 स्टॉक का इन्होंने एक जो है बास्केट बनाया है, और मुझे लगता है कि और हर सेमी एनुअली इसको जो रिवाइज करेंगे, मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। अगर किसी का फार्मा या हेल्थ केयर की तरफ जो ध्यान है अगर है, वहाँ जा देना चाहते हैं और रिस्क भी कम लेना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस विल डू वेल। तो सर, जब ये फंड लॉन्च होगा, इंडेक्स लॉन्च होगा, तो क्या एक आम निवेशक को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अब ये है, इंडेक्स लॉन्च होगा तो आम निवेशक कैसे लेगा, क्योंकि आम निवेशक डेरिवेटिव में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल डेरिवेटिव लॉन्च करेंगे, इसका इंडेक्स लॉन्च होगा तो आप कैसे लेंगे? आप 30 स्टॉक तो ले नहीं सकते। उनका वेटेज डेफिनेटली इन्होंने बताया है, और वेटेज जो है चेंज होते रहेगा टाइम टू टाइम, जिसमें कि अगर आप देखें मैक्स हेल्थ केयर जो है वो 14% का वेट है, लुपिन में 9% का वेट दिया गया है। लेकिन आम निवेशक के लिए निवेश करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको एक बास्केट बनानी पड़ेगी, उस बास्केट में कैसे शेयर देंगे, पैसे कम होते हैं, तो ये मुश्किल है। जब वही मैं कह रहा था कि इसमें अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आए, इसको सपोर्ट करे, इससे ठीक रेप्लीकेट करते हुए कोई ETF बना दे, तब जाकर आम निवेशक वहां पर निवेश कर सकता है। अदरवाइज आम निवेशक केवल देख सकता है, और उनके स्टॉक्स अगर सके, मतलब मुश्किल है काफी एक आम निवेशक के लिए इंडेक्स का बास्केट खुद बना ले, वेटेज को हर सेमी एनुअली जिस तरह से NSE करेगी वो करे, तो आम निवेशक के लिए करना बहुत मुश्किल है। इवन फॉर हम लोग जैसे प्रोफेशनल के लिए मुश्किल होता है कि हम उस तरह से खुद का बास्केट बना लें, लेकिन जब तक कोई ETF नहीं आए, जब तक कोई फंड नहीं आए, तब तक आम निवेशक कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो आम निवेशक के लिए इन्वेस्टिंग तो थोड़ी टफ रहेगी जब तक कि इस थीम पर बेस्ड म्यूचुअल फंड नहीं आ जाता। चलिए, म्यूचुअल फंड हमारे साथ एक्सपर्ट हैं ही। सिद्धार्थ जी, आपकी तो बात होती होगी म्यूचुअल फंड AMCs में। जब रात इस तरह की खबर आई, तब उसके बाद से अभी ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं। सर, 24 घंटे में क्या बदला? आपने क्या बातचीत की? मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो म्यूचुअल फंड्स को पता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास अपने ऑलरेडी बहुत सारे हेल्थ केयर फंड्स भी, एक बहुत डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू हेल्थ केयर सेक्टर एक वर्क करता है, और जैसे कि बताया गया कि हेजिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स ने इस न्यू इंफॉर्मेशन को काफी सराहा। उन्होंने बोला कि हेल्थ केयर की तरफ जिस तरीके से लोगों का रुझान बन रहा है, जिसके अंदर 5 फार्मास्यूटिकल्स भी है, डायग्नोस्टिक्स भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये उनका एक एम्बिट बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, जहां उनके स्टॉक सिलेक्शन सिलेक्शन के सेक्टर्स, स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया वो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव तरीके से ला रहे हैं। और हम देख पाएंगे कि ये सब ये जो नई नई इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज जो म्यूचुअल फंड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि मार्केट्स में आ रहे हैं, ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा उनके इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए होंगे, बिकॉज इन्वेस्टर्स अपने अपने इच्छा अनुसार उन सेक्टर्स को चूज कर पाएगा जहां पे वो देख पाएगा कि रिटर्न्स भी बन रहे हैं, और एट द सेम टाइम उसके पोर्टफोलियोज काफी स्टेबल भी है, क्योंकि जी फार्मा एक ऐसा ही थीम है जहां पे काफी जो कि मैंने बताया आपको कि एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह लोग उसको यूज करते हैं, जहां बहुत सारे फार्मा में नाम है जो एक इंडियन प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी फेमस है। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड से मेरी जितनी भी बात हुई, उन्होंने उसको काफी अप्रिशिएट किया, और उन्होंने बोला कि इस तरीके के इनोवेटिव स्टेप्स आने चाहिए, सो दैट मार्केट्स एक हेल्दी हेल्दियर साइन दिखा रही है अपनी मैच्योरिटी की तरफ। बिल्कुल, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी इसका स्वागत किया और स्टॉक मार्केट में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी स्वागत किया। लेकिन बात केवल यही है कि चूंकि F&O सेगमेंट में होगा और कैश सेगमेंट में भी होगा, तो कैश सेगमेंट के थ्रू क्या इन्वेस्टिंग पॉसिबल होगी, या F&O के थ्रू ट्रेडिंग किस रेंज तक, किस तरह से, किस लॉट साइज बनेगा, कैसे उसमें ट्रेड किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया है, और ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि ये नए प्रोडक्ट्स काफ़ी ल्यूक्रेटिव हैं, इनोवेटिव हैं, और इनमें आने वाले समय में हम एक बड़ा फ्लो आते हुए देखेंगे। एक ये नई थीम तैयार हुई है, जिस थीम पर हो सकता है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी उतरेंगे और इंडेक्स भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और सुपरलेटिव तरीके से लॉन्च करेंगे। संतोष सर, सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया है। नमस्कार।